हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधिस किचन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 स्टेप में कलाकंद बनाने की रेसिपी। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून घी लेंगे। घी को हम पिघलने देंगे। अब घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 400 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने घर पर बना हुआ पनीर लिया है, आप बाज़ार से लें तो इसे थोड़ा मिक्सी में चला लें। अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे ताकि पनीर की रो स्मेल दूर हो जाए। इसे हम लो से मीडियम हीट पे ही कुक करेंगे। अब ये कुक हो गया है। अब हम इसमें 300 ml दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने फुल फेट दूध लिया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही चलाते रहना है। अगर आप घर पे पनीर बना के यूज़ कर रहे हैं तो पनीर को अच्छे से धो लें और इसका सारा पानी निकलने तक इसे रखें। इसके बाद ही आप कलाकंद बनाने के लिए यूज़ करें। दूध और चीनी को एब्जॉर्ब होने में 15 मिनट लगेंगे। अब सारा दूध एब्जॉर्ब हो गया है और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो ये हो गया हमारा आखिरी स्टेप। अब हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और हम आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो ये स्टेज पे रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि घी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक ग्रीस की हुई ट्रे में हम निकाल लेंगे। पहले स्टेप में हमें पनीर को कुक करना है, दूसरे स्टेप में हमने चीनी और दूध डाल के कुक करना है, लास्ट स्टेप में हमें दूध और चीनी जब तक एब्जॉर्ब हो जाए तब तक की इसे कुक करना है। तो ये हमारा 3 स्टेप में कलाकंद बन गया। अब हम इसे अच्छे से लेवल कर लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़े से कटे हुए पिस्ता ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो ये रेडी है हमारा झटपट बनने वाला कलाकंद। इसे आप ठंडा कर लें और इसके बाद इसके ऊपर कट्स लगाएं। ये दिवाली आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली मेरी सारी रेसिपीज़ आप देख सकें। तो रेडी है हमारा सुपर ईजी कलाकंद। इसे आप सर्व करने के टाइम गुलाब की पत्तियों से सजाएं।